यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को हटा दिया है। पुतिन के करीबी माने जाने वाले सरगेई शोइगु ने 12 साल से डिफेंस मिनिस्ट्री संभाली हुई थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह रही कि पुतिन ने पांचवी बार सत्ता संभालते ही रक्षा मंत्री को हटा दिया। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2.25 साल से जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन ने भले ही रूस पर सीधा हमला न किया हो, लेकिन इस मैराथन जंग ने रूस को भी एक मुसीबत में डाल रखा है। यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इस बीच लगातार पांचवी बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का नेतृत्व करने वाले अपने रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को हटा दिया है। रूसी राष्ट्रपति के काफी करीबी माने जाने वाले शोइगु करीब 12 साल से रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। पुतिन ने सरगेई शोइगु की जगह एक सिविलियन आंद्रेई बेलासाव को रूस का नया रक्षा मंत्री बनाया है। नए रक्षा मंत्री को कोई सैन्य अनुभव नहीं है और वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। पुतिन ने शोइगु को क्यों हटाया, इस पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले इस फैसले के मायने तलाश रहे हैं कि आखिर पुतिन ने ऐसा फैसला क्यों लिया होगा। क्या पुतिन इस बात से नाराज हैं कि शोइगु रूस यूक्रेन जंग को निर्णायक दौर में पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। एक बात तो साफ है कि यूक्रेन के साथ चल रही लंबी लड़ाई में रूस की भी माली हालत अच्छी नहीं रह गई है। वहीं पुतिन के फैसले पर रूस के प्रवक्ता पेस्कोव का कहना है कि रूसी मिलिट्री को इनोवेशन की जरूरत है, इसलिए बेलोसाव को चुना गया है। उन्होंने कहा कि रूस का रक्षा बजट शीत युद्ध के बजट स्तर तक पहुंचने के करीब है। उस समय देश के कुल खर्च में मिलिट्री की हिस्सेदारी 7.4% थी, फिलहाल ये खर्च करीब 6.4% है। हर हाल में इसे कंट्रोल करना जरूरी है। इसी वजह से पुतिन ने अब आर्थिक नीतियों की जानकारी रखने वाले बेलोसाव को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। रूस के प्रवक्ता के मुताबिक नए रक्षा मंत्री बेलोसाव ने रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय का सफल नेतृत्व किया है। वे लंबे समय तक आर्थिक मुद्दों पर पुतिन के सहयोगी रहे हैं। रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को हटाने के पीछे भ्रष्टाचार भी एक वजह मानी जा रही है। दरअसल रूस की प्राइवेट मिलिट्री आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सरगेई शोइगु पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। फरवरी 2023 में प्रिगोजिन ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शोइगु पर आरोप लगाए कि वो उनके लड़ाकों के लिए हथियार नहीं भेज रहे। इसके जरिए वो वैगनर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिगोजिन ने यहां तक कहा था कि शोइगु में जंग जीतने की क्षमता नहीं है। वहीं जंग के चलते रूस को पश्चिमी देशों की आर्थिक पाबंदियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पुतिन नहीं चाहते कि रक्षा मंत्रालय को मिलने वाले फंड का कोई गलत इस्तेमाल हो। एक तरफ रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को हटाने की चर्चाएं अटकलें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इसके साथ साथ उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी को दिए जाने की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसा इसलिए कि सरगेई शोइगु पुतिन के बेहद करीबी हैं और ऐसे में चर्चा ये भी है कि उन्हें रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की कमान दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।